खबरें वही जो दिखे सही। नमस्कार, मैं हूं गोविंदा गोला, 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। मुंबई के सभी मार्केटों में रमजान ईद की तैयारी पूरे जोरों शोर से चल रही है। इस पाक महीने में ही मुस्लिम भाई ज्यादा खरीदारी करते हैं। कपड़े, सेवइयां, जेवर, रशद, मिठाइयां और जूते चप्पलों की दुकानों में लोगों का तांता लगा रहता है। छोटे बड़े सभी दुकानदारों की आजीविका इन्हीं त्योहारों पर ही तो निर्भर रहती है। ऐसे में एक मैसेज वायरल होता है कि मुस्लिम लोग केवल मुस्लिम दुकानदारों से ही खरीदारी करें, हिंदू व्यापारी से सामान खरीदना हराम है, हर मुसलमान को हिंदू व्यापारी का बहिष्कार करना चाहिए। इसे मुस्लिम उलेमाओं द्वारा जारी किया गया फतवा बताया जाता है। एक ऐसा फतवा जो अटल है। अचरज की बात तो यह है कि वास्तु स्थिति की सत्यता की जांच किए बगैर एक समाचार पत्र फतवे की बात की पुष्टि भी कर देता है। आनन फानन में व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए एक जाना माना न्यूज चैनल भी इस विषय पर लोगों की राय को नकारात्मक तरीके से पेश करता है। तथ्य को बनावटी चेहरे से छुपाया जाता है। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आम जनता की संवेदनाओं से खेला जाता है। देश की एकता और भाईचारे को खंडित करने वाले बयान हमें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसका भान क्यों नहीं रहता। इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर हमारी 24 टाइम की टीम ने पूरी तरह से इस विवादित विषय का संज्ञान लेने के लिए इस संवेदनशील मुस्लिम बहुल इलाके का दौरा किया। तो जो सच्चाई सामने आई है उसने हम सभी को शर्मिंदा कर दिया। हालांकि कुरला एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन यहां पर लगभग 90% दुकानदार हिंदू ही हैं, जिसमें अधिकतर तो 40-50 वर्षों से अपना कारोबार चला रहे हैं। आज तक इन लोगों को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखा। खरीदार और दुकानदार में कभी कोई धार्मिक उन्माद नहीं दिखा, लेकिन 2-3 दिन से चल रहे अनवरत इस वायरल मैसेज ने लोगों के दिलों में नाहक डर जरूर पैदा कर दिया है। हालांकि ये मुंबई की समझदार पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है और ऐसी बातों को बिल्कुल तुल नहीं देती, लेकिन फिर भी इस समय ठीक ईद के पहले ऐसे विवादित विषय को जन्म देना किसी फिरका परस्त का ही काम हो सकता है या फिर धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देना या फिर राजनीतिक खेल की शुरुआत, जो कि 2019 चुनाव को मद्देनजर रख के यहां खेला जाने वाला है। एक ऐसी भयानक सच्चाई जो हमारी एकता और भाईचारे को नेस्तनाबूद कर देना चाहती हो। रमानी जी, इस समय कैसा माहौल है? जो इस समय रमजान का जो महीना है, वो इस महीने में कैसा व्यापार का आपका कैसा माहौल चल रहा है, मतलब परसेंटेज वगैरह? हाँ, हर समय से कुछ दिन 4-5 दिन एक्स्ट्रा ही धंधा होता है और फिर 4-5 दिन तो छुट्टी होती। मतलब आप खुश हैं कि ये जो अभी जो भीड़ है उससे काफ़ी आपको? वेरी गुड। आइए, इस रमजान के महीने में क्या आप यहाँ पे गिराकी कम हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है, हर साल से उल्टा अच्छा ही है। Okay. हर साल से ज्यादा है गिराकी। जो एक मैसेज वायरल हुआ है जिसमें रमजान के महीने में मुस्लिम भाई हिंदू व्यापारियों के पास से सामान नहीं खरीदेंगे, ऐसा ये कहां तक सही है? सर, ये बिल्कुल गलत है और ये चीज खाली लोगों के दिमाग तक सीमित है कि हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राहक हमारे यहाँ पे आता है और एकदम खुशी से कपड़ा खरीदता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका कहना ये है कि व्यापार आपका और भी बड़ा ही है, कम नहीं हुआ। आप एक हिंदू व्यापारी होने के बावजूद भी आपका व्यापार बड़ा है, तो यहाँ पर धर्म कोई मायने नहीं रखता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ पर कर्म मायने रखता है। जी, थैंक यू सर। मेरा नाम सोनलाल चौधरी है और जो ऐसा बोलेगा ऐसा हिंदू मुस्लिम का ऐसा तो हमको ऐसा सुना, हमारे कस्टमर तो 99% मुस्लिम कस्टमर है।
कोई कमी नहीं हो रही है, कोई बदलाव नहीं है? नहीं, हिंदू भी कस्टमर हिंदू भी आएगा, मुस्लिम भी आएगा, दोनों कस्टमर आएगा, ऐसा कुछ नहीं। मगर आते दोनों अपने पास हिंदू भी कस्टमर होगा ज़्यादा, थोड़े अपने मतलब एरिया के हिसाब से मुस्ते करोगे थोड़े ज़्यादा ऐसा। बाकी हिंदू कस्टमर दिवाली आएगा, गणपति आएगा, अपना वो तैयार था, हिंदू कस्टमर आते हैं, और ये महीने में मुस्लिम कस्टमर ज़्यादा रहते हैं ऐसा, कस्टमर ज़्यादा रहते हैं। हाँ ये हाँ ये कस्टमर ये सीजन में कस्टमर ये ज़्यादा रहते हैं। रमजान का महीना है और रमजान के महीने की जल्दी आने वाली है, तो ऐसे में जो खरीदारी हो रही है यहाँ पर ऐसा हो रहा है? यहाँ बहुत अच्छा खरीदारी हो रहा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ शांतिपूर्वक से सब हो रहा है। यहाँ के पुलिस वाले भी कार्रवाई पे अच्छे से खड़े हैं, रिक्शा उसा जाने नहीं दे रहे हैं, सब काम जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। यहाँ चांद मुबारक का सब लोग इंतजार कर रहे हैं, कल नहीं तो शायद परसों हो सकती है। तो देखिए ये थे अशोक भाई। अशोक भाई का कहना ये है कि एक धार्मिक एकता, अनेकता में एकता की परिभाषा यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है, ना कि कोई अलगाव और भेदभाव। ये सभी व्यापारी एक हैं और यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो भी एक हैं, तो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। जो भी अफवाह वो अफवाह अपनी तरफ से फैलाई गई है वो बेबुनियाद है। हाँ इतना काही भेदभाव नहीं है, इतना सगले हिंदू मुस्लिम सगले एक सगले हिंदू का हिंदू दुकाना मध्ये सुद्धा कस्टमर आहेत इथं, असं जे व्हाट्सअप वरती याच्यावरती जे मेसेज देतात की इथं मुस्लिमच फक्त हिंदूंच्या दुकानात जायचं नाही, हे चुकीचं आहे, असं काहीच नाही इथं। आम्ही माझं स्वतःचं दुकान आहे इथं, माझे समोर अंजली कलेक्शन आहे इथं, कस्टमर फुल आहेत, असं कोणी बघून येत नाही की मुस्लिमच्याच दुकानात जावं असं काहीच नाही, हे सगळं अफवा आहे। तर आमचा हात जोडून विनंती आहे की अफवांवरती लक्ष देऊ नका त्याच्यावरती, आणि जे काय आहे सगळं अव्यवस्थित चाललेलं आहे, त्याच्यात मनामध्ये काय घ्यायचं नाही म्हणून हे। थँक्यू भाऊभाई। भाऊभाईचं म्हणणं एकच आहे की किसी भी अफवाओ पे भरोसा मत करो, वो सभी के सभी बेबुनियादी है। ये सब रूमर है, ये खाली एक फालतू चीज़ है जो मियाँ भाई के खरीदी कर, ऐसा कुछ नहीं। आप देखो मेरा पूरा क्राउड मियाँ भाई है और ये हमारे सब बहन भाई जो भी है, और ये सब खाली व्हाट्सअप बना हुआ है और व्हाट्सअप तो हमारे हाथ में बनाने का, बाकी ये सब रूमर है। और वी आर वेरी हैप्पी, वी हैव गॉट लॉट ऑफ मुस्लिम क्लाइंट्स देन मोर ऑफ हिंदू क्लाइंट्स। ओके, व्हाट्स योर गुड नेम सर? माय नेम इज गुलाब। अर्जनदास प्रेमानी। अर्जनदास प्रेमानी जी के सामने हम यहाँ पर हैं और हम जानना चाहेंगे कि सर इस समय जो क्राउड है, जो रमजान के पाक महीने में जो कुर्ला क्षेत्र में, आखिर में ये पूरे सेंट्रल मुंबई की का एक हृदय कहा जाता है, यहाँ पर अक्रॉस कल्याण से लेके और आगे चेंबूर तक के लोग आते हैं यहाँ पर, तो आपको इस समय व्यवसाय में कैसा लग रहा है, आपको क्राउड कैसा आ रहा है? यहाँ तो अभी तो अच्छा है ना, लास्ट में तो क्राउड रहता ही है क्योंकि ये एरिया ही ऐसे मुस्लिम एरिया पड़ती है, इसके लिए यहाँ क्राउड दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये रमजान में अक्सर जो पूरे साल भर का जो आपका व्यवसाय होता है और रमजान का व्यवसाय, इसमें कुछ चेंजेस आपको लगते हैं? बहुत अच्छा रहता है, इसमें ज्यादा रहता है, इसमें ज्यादा ही रहता है, परसेंटेज तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन बहुत अच्छा रहता है यहाँ। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन सर इसमें एक और बात है, अभी बीच में कुछ रूमर ऐसे उठा था कि जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ ऐसे मैसेजेस ब्लास्ट कर रहे थे कि जिसमें व्यापारियों को भी बांट दिया था, बराबर है, तो व्यापार के तौर पे कि वो पर्टिकुलर किसी एक मजहब को नहीं नहीं ऐसी कोई यहाँ पे है ही नहीं ऐसा वो तो लोग उफा उड़ाते हैं, उससे कुछ नहीं होता, ऐसी कोई यहाँ कोई चीज ही नहीं है। लोग सुनते हैं, लोगों का बाहर से फोन भी आता है ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा कोई तकलीफ नहीं, तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ होती है यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ पहले 8-10 दिन काम ठंडा था लेकिन अभी वापस मालिक की दुआ। आपका कहना ये है कि आपका तात्पर्य यही होता है
कि यहाँ पर दोनों समुदाय की तरफ से आपको प्रतिसाद मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, और पूरी अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छा होता है काम यहाँ पे। दिया गया है कि हिंदू व्यापारियों के पास से सामान ना खरीदे, आप कितनी सहमत है, क्या कहना चाहेंगे इसको? नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि ना हमें जहाँ पर चीज़ अच्छी दिखेगी, वैरायटी अच्छी दिखेगी, हम उसी चीज हम वही देखकर खरीदेंगे, हम हिंदू मुसलमान देखकर नहीं खरीदेंगे। बात सामने आती है, ये पूरी पड़ताल का एक ही निचोड़ निकलता है कि यह केवल बकवास की चीज थी, यह फतवा नहीं, यह एक अफवाह थी, से रूमर, जिस रूमर को सियासी ताकतों ने या बदमाश तत्वों ने इसे फैलाया था। यहाँ सब एक है, सारे भारतीय मिलजुल कर ईद हो, दिवाली हो, हर त्यौहार को मिल के मनाते हैं, तो यहाँ पर ये बकवास की चीजें फैलाने वाले तत्वों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 24 टाइम की ये खास रिपोर्ट हमने पूरी पड़ताल के साथ में आज सैकड़ों दुकानों में पूरी तरह से जानकारी लेने के बाद में हमने आपके सामने लाया है। इसमें हमारे कुछ झोला छाप चैनल्स और उसके साथ ही साथ कुछ पत्रिकाओं में जिन्होंने बकवास छापी थी या बकवास दिखाया था, साथ में मिलजुल कर फिर से अपना भाईचारा बनाए रखने की हम कोशिश में लगे रहते हैं। तो मैं त्रियोगी पांडे, मुंबई ब्यूरो 24 टाइम, यहाँ पर कैमरामैन अंसारी के साथ। इस समय हम कुर्ला के जाने माने लोगों के बीच में हम उपस्थित हैं, यहाँ के व्यापारी लोग हैं, जो व्यापारियों से हम एक फाइनल जो हमारी पड़ताल है, जो आखिरी हमारी पड़ताल है, वो हम जानना चाहेंगे कि उनकी राय यहाँ पर क्या है। यहाँ पर अखिल भाई है कि जो अखिल जी की जो हेल्पिंग फाउंडेशन जो है उनका, उन्होंने हमें काफ़ी मदद करी है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में जो हमें पूरी तरह से जांच पड़ताल, जो तथ्य की जानकारी हमको लेनी थी, उस जानकारी लेने में हमें पूरी मदद मिली है। तो हम उनसे जानते हैं कि लोगों को उनका क्या संदेश है, और इस तरह के बेबुनियादी चीज़ें जब उछाली जाती हैं, चाहे वो साइबर पे हो या फिर वो किसी भी मीडिया पे हो या न्यूज़पेपर पे हो, तो ऐसे लोगों के प्रति क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हमको प्रेम भाव मेंटेन रखने के लिए, हमको सद्भावना बनाए रखने के लिए हमको आगे क्या तैयारी करनी चाहिए ताकि हम अलग ना हो, इसकी जानकारी हम लेते हैं अखिल भाई से। अखिल भाई, आपकी क्या राय है? कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके लिए हमने काफ़ी 3 दिन से कंटिन्यू इस चीज़ पर रिसर्च किया, काफ़ी दुकान वालों से पूछा, बात की, ऐसा मालूम पड़ा कि ये जो वायरल न्यूज़ थी वो एकदम गलत साबित हुई है, और आपके न्यूज़ के माध्यम से भी हमने ये चीज़ को मालूम दी है, लोगों तक का पहुँचाने का काम किया है, और हम आपकी न्यूज़ का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया, हमें इतना कोऑपरेट किया। जनता को सुझाव ये देना चाहते हैं कि जो अफवाह उड़ी थी ये गलत थी। खबरों को देखने के लिए बने रहे 24 टाइम के साथ। खबरें वही जो दिखे सही।